अगर निमाय से एक्सीडेंट हुआ होता तो वो हमें जरूर बताता। उसने कोई मर्डर नहीं किया था जो वो सीधा जाकर छुप जाए। दीदी मुझे तो इसमें कोई साजिश लगती है। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पुलिस वाले सच कह रहे हैं। क्या जरूरत थी निमाय को ये सब करने की? अच्छा खासा इतने बड़े आदमी के घर में रिश्ता हो रहा था लेकिन सब गड़बड़। ये एक्सीडेंट के बाद गायब होने का चक्कर नहीं होता ना तो अब तक हम सब माला माल हो चुके होते। अब तो निमाय मिल भी जाएगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग, रिश्ते के लिए राजी होंगे भी या नहीं। मिल जाएगा मतलब? अरे कुछ तमीज सबूर रह गई है कि नहीं रह गई तुम्हारे अंदर? जो मुंह में आए बक देती हो। हमारा निमाय आएगा, वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है। समझ गई तुम? हमें अपने नाती से मतलब है, एक बार वो सही सलामत आ जाए बस। हाँ हाँ अम्मा, हमारा मतलब भी तो यही था। अपना मतलब अपने पास ही रखो, जरा जबान पे कंट्रोल रखा करो। अरे अच्छा नहीं कह सकती हो तो बुरा तो मत कहो। अम्मा जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा, कोई भी बात दूसरी बात से जुड़ने रही, कुछ तो गलत हो रहा है। अभी केशव जिस तरह से एक्सीडेंट बता रहा है उसके हिसाब से तो उसे सबसे ज्यादा चोट जहाँ लगनी चाहिए वहाँ दिख नहीं रही, और निमाय की घड़ी एक्सीडेंट के इतने समय बाद भी वहीं पे भी। हाँ इतनी देर में तो घड़ी कोई भी उठा सकता था। और निमाय के दोस्त जो घर आए थे वो कह रहे थे कि निमाय किसी के साथ 3 बजे ही ऑफिस से निकला था, और केशव कह रहा है कि 5 और 6 के बीच में एक्सीडेंट हुआ। केशव की बातों पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था। लेकिन निमाय वहां गया किसके साथ? दोस्तों ने कहा कि जब वो ऑफिस से निकला तो उसके बाइक पे पीछे कोई बैठा था। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई था तो वो कौन था, और जब निमाय 3 बजे ऑफिस से निकला था तो 5 और 6 के बीच वहां रुकने की वजह क्या थी जब उसे सगाई में आना चाहिए था? ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी कही जा रही है, निमाय को फंसाया जा रहा है। क्या कह रही हो मुनिया? हाँ माँ। लेकिन आप तो कह रही थी कि निमाय की घड़ी वहां मिली है, दीदी इससे तो साबित होता है। क्या साबित होता है? ऐसी घड़ी मार्केट में हजारों होगी, किसी के पास भी हो सकती है। क्या लगता है आपको एक घड़ी वहां 24 घंटे पड़ी रहेगी? हजारों लोग वहां से जाएंगे लेकिन उठाएंगे नहीं। क्यों? पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, एविडेंस मांगेगी। इसे साफ पता चलता है कि निमाय का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं, उसे फंसाया जा रहा है। जी जी मैं निमाय के ऑफिस में काम करता हूँ, निमाय का दोस्त हूँ। मुझे आज ही पता चला ऑफिस से उसके गायब होने के बारे में, तो मैं आप लोग को ये बताने आया हूँ कि उसकी एंगेजमेंट वाले दिन वो मेरे साथ ही था। बेटा बैठो ना। नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे निकलना है। मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ एंगेजमेंट वाले दिन उसने मुझे लिफ्ट दी थी करीबन 3 बजे के आसपास, और फिर उसने वहीं से मुझे कीर्तन चौक के पास लगभग 4 बजे छोड़ा था। निमाय के एक्सीडेंट के बारे में पता है आपको? पुलिस कह रही थी कि रिंग रोड के यहाँ कहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था। आंटी मैं एक्सीडेंट के बारे में तो कुछ नहीं जानता, हाँ पर इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि मुझे ड्रॉप करके वो सीधा एंगेजमेंट हॉल ही जाने वाला था। आप जहाँ एक्सीडेंट बता रही है वो तो शहर के दूसरे किनारे पर है, निमाय उल्टा वहाँ से रिंग रोड की तरफ क्यों जाएगा? भैया जी सयाली बिटिया की होने वाली सासू अम्मा आई। What the hell is she doing here? अबे काहे जमीन खोदे पड़े हो? तुम्हारी बहन की होने वाली सासू मम्मी है, अपने समधी के घर आई है। अदरी जा जल्दी लेके। जी भैया। आइए 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 समधन जी। माफ कीजिए भाई साहब, आपकी इजाजत लिए बगैर अचानक इस तरह आपके घर चली आई। निमाय के खातिर
अभी आना बहुत जरूरी हो गया था। अपना जी आप कैसी बातें कर रही हैं? बताइए क्या हुआ? बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, निमाय का कोई पता नहीं चल रहा, हमारी मदद कीजिए। आप कहें या ना कहें, हम तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। सब तरफ पुलिस वालों को दौड़ाया हुआ। आपके कहने के बावजूद ये पुलिस वाले हमें बहुत परेशान कर रहे। अच्छा? बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे ही घर की तलाशी ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। और वो एक्सीडेंट से घायल केशव, उसे देख के तो बहुत अजीब लग रहा है। वो आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा था। आप प्लीज कुछ मदद कीजिए ना। आप काहे हमें शर्मिंदा किए पड़ी है? अरे आपकी मदद करना हमारा फर्ज है, आपको कहने की जरूरत है क्या? लेते हैं पुलिस वालों की खबर भी। ससुर के नाती लोग हैं, खाली फोकट की पगार ले रहे हैं, तोन फुला के शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, सबको दुरुस्त कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। जो बन पड़ेगा सब कुछ करेंगे, यदि गड़बड़ी दिखाए तो सब के सब नपेंगे। एक लाइन से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चाहेंगे तो मैं जरूर मिलेगा आपके हाथ। अरे मत कीजिए, संभालिए अपने आप को। आंटी आप यहां? जाओ बेटा सहेली, चंदन जी को अपने कमरे में लेके जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ चपट चपट चालू हो गई होगी हमारी बिटिया के साथ। देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ चीजें अपने माँ बाप से भी नहीं बताते। मेरे निमा ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन बेटा अगर तुम्हें कुछ बताया हो प्लीज बोलो बेटा। किसी से कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं हरदी, निमा ने मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई। फिर उसका इस तरह से अचानक गायब होना, क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे? मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अब हमें निमाय को ढूंढने के लिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा ने पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो हमारा ख्याल रखे, उसके बावजूद भी उन्होंने आधी रात को हमारे घर की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि निमाय से एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गया, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है ये एक्सीडेंट की कहानी झूठी है, ये कोई साजिश है। साली प्लीज निमाय को ढूंढने में हमारी मदद करो प्लीज। साली आप परेशान मत होइए, चाहे जो भी हो हमारा निमय जरूर आएगा, हम उसे ढूंढेंगे। चलते हैं। वो
बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। चाचा गालिब कमाल थे। कहा है कि हमारी बिटिया का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आप जब जब आएंगी तब तब वो आंसू बहाएगी, आंसू हमसे सहन नहीं होते। वानी जी, अब आपको हमारी चौखट पे आने की जरूरत नहीं, फिक्र है हमें आपके लाडले की। जैसे उसको पता चलेगा, उसकी खबर लगेगी, हम खुद आएंगे आपके पास। आज के बाद मैं आपके चौखट पर पाँव तक नहीं रखूंगी, बस मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। हाँ, बिल्कुल मिले। गई कर जुआ में निनवा की सुई, हाय राम कब तक करेंगे उई उई। नजर नहीं तीर है वे इस मास्टरायन की नजर तो है, तुम्हारे बाप की आत्मा को भेद गई राजहंस निमाए की अम्मा जीवट वाली। शादी हो गई तो इस धारदार नजर वाली समधनिया से बच के रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। आप भी इशारी हो गई, अब इम्पॉसिबल, अब बस याले को संभालना है। अचार का मसाला भी बनाना है, चलो जल्दी जल्दी करो। ए सियाली, कहाँ जा रही है? रुक, आंधी तूफान की तरह कहाँ जा रही है? वो मुझे पार्लर जाना है। अच्छा, दो दिन से तुमने कुछ खाया ना पिया और अब पार्लर जाओगी? झूठ ना बोलो, बोलो कहाँ जा रही है? लगता है अपनी हंसी को ढूंढने जा रही हो। इस फिसक के चक्कर में डस्टबिन हो गया है तुम्हारा दिमाग, कुछ सोच कुछ समझ। वो लौंडा जो मुंह छिपाकर दुनिया से भागा भागा घूम रहा है, वो तुम्हारे मोहब्बत की डोर में खींच के तुम्हारे पास आएगा? आना होता तुम्हारे पास तो आता दंके की चोट पर एंगेजमेंट पे, का हुआ का नहीं हुआ सारी सच्चाई आके बक देता, इस तरह कौवे की तरह फुर्र नहीं हो जाता। मम्मी प्लीज बस कीजिए। भैंस बुद्धि, कहा अगड़म बगड़म बके जा रही हमारी बिटिया से? हैं हाँ, हमारी प्यारी बिटिया है, क्या चाहते हो? बेझिझक बोलो, बोलो। पापा, एक्चुअली एक जगह है, एक पार्क है, जहां मैं और निमाई अक्सर मिला करते थे। हो सकता है वो वहां है, मैं वहां जाकर उसे ढूंढना चाहती हूँ। हाँ जरूर, तुमको वहां जरूर जाना चाहिए है बेटा, और जाके उसे वहां आवाज दो। हमने सुना है कि दिल की आवाज दिल तक जरूर पहुंचती, हो सकता है तुम्हारी पुकार सुन के वो आ जाए।
मुझे ऊपर जाना है। अरे सैली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह जगह इतनी अच्छी लगती है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी ना, तो भूत बनके किसी पुराने पीपल के पेड़ पे लटके रहने से अच्छा ना मैं यहाँ आकर रहूं, बार बार वक्त को पीछे करके तुम्हें देख लिया करूं। हमारा नाम पिछली बार हमने लिखा था और देखो ना आज भी वो नाम बिल्कुल वैसा ही। हाँ पता नहीं, मैं तभी मैंने खुद से प्रॉमिस किया था जब हमारे पेरेंट्स शादी के लिए मान जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा यही मिलने आऊंगी। और आज हम फिर यहाँ सैली, यहाँ आकर कितनी खुशी मिलती है ना। सच में मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी कोई सपना देख रही हूँ। ये सपना अब सच हो चुका है सैली जी। फाइनली हमारी शादी का सपना सच हो रहा है। I'm so happy. I'm so happy. So happy. So happy. So एक बात कहूं, आपको शायद बुरी लगे लेकिन सच तो यही है कि निमाई को ऐसी कोई गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। दीदी जरा सोचो, कहां सयाली का परिवार और कहां हम? कहीं इसी पछतावे की वजह से ही निमाई एंगेजमेंट में ना आया हो, के मन में दबाव रहा हो कि इतने बड़े परिवार में रिश्ता हो रहा है, बराबरी नहीं है, मुश्किल तो होगी ही, और इसी वजह से वो घबरा गया हो। अब उसमें इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है दीदी, लेकिन सच क्या है ये आप भी जानती और मैं भी, हम कभी सयाली के स्टेटस के थे ही नहीं। हमें रिश्ता नहीं करना चाहता दीदी, कहीं इसी दबाव के चलते कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। जो तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये सब सोच सोच कर निमाई ने अपना आपा ही ना खो दिया हो।
वापस से जाओ। I'm so sorry, Monsieur. Please take care of Ma and Monkey. I'm so scared to come back home. मैंने ऐसा मैसेज क्यों किया? इसे डर किस चीज के लिए? वो फोन क्यों नहीं कर रहा? चाहे कोई कुछ भी बोले निमय, मैं ये नहीं मान सकती कि तुमने कुछ गलत किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।